हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं अश तंवर एंड वी स्टडीज अबाउट द हैलोजन्स डेरिवेटिव्स, दैट इज एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स। इन द प्रीवियस वीडियोस वी स्टार्ट अबाउट द सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पॉली हैलाइड्स। यस, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म्स एंड सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म्स एंड आयोडोफॉर्म्स। Yes, today we continue to remaining some chemical properties or chemical reactions of chloroforms. Yes, and we first consider the reaction with primary amines. Chloroform ki hum reaction kar rahe hain kiske sath mein? Primary amines ke sath mein kya banta hai? Isocyanate dega. Yes, this isocyanate test give only and only primary amines with chloroform. When chloroform is treated with primary amine in the presence of potassium chloride or sodium chlorides, yes, with water to give isocyanate. So this isocyanate is a very important reaction to distinguish of a primary and secondary amines. Yes, so chloroform react with primary amines to give isocyanate, that means kiski presence in the presence of KOH। हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं प्राइमरी अमीन का एल्केलिन मीडियम में KOH के साथ में। यस, तो हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी अमीन मिलेगा। इफ वी कंसीडर रिएक्शंस एग्जांपल्स, CH3CH2NH2, दिस इज इथेनामाइन। Three KOH to gives CH3CH2NC plus KCl plus H2O. This is a ethyl isocyanate. Ethyl isocyanate. If we use here secondary, I mean this is ethylamine is a primary amine. If we consider as secondary, I mean that is 2-degree amine such as ethyl methylamine. This is a 2-degree amine, secondary amine. Yes. When secondary amine treated with chloroform, yes, so no reaction, that is no isocyanate test, he reaction nahin karega ya phir isocyanate nahin banega. So very important case, chloroform is used to treat distinction between primary and secondary amines, primary and tertiary amines. Isko hum aage bhi discuss karenge, kaun sa chapter hai hamara jo alkyl amine ka jo chapter jo hai, yes, अमोनिया की डायरेक्ट जो कंपाउंड है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें और हम इसको पढ़ेंगे। यस, अभी आपको लगना है कि प्राइमरी अमीन जो होता है क्या करता है, आइसोसाइनाइट टेस्ट लेता है किसके साथ में? क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म, जो भी अपन हैलोफॉर्म रिएक्शन लेते हैं यूज़। यस, स्पेशली इसको अपन क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के कंसिडर करते हैं। तो इंपॉर्टेंट केस हमें लर्न क्या रखना है, क्लोरोफॉर्म इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन या प्राइमरी एंड टर्शियरी अमीन्स। सो दिस इज अ नोटेबल पॉइंट, नॉट। Chloroform is used to distinguish between that difference used to distinguish between distinguish test between primary and secondary amine. And primary and tertiary amine.
हमें क्या लर्न रखना है, ऑल प्राइमरी अमीनसर गिव्स आइसोसाइनेट टेस्ट विद क्लोरोफॉर्म। ऑल प्राइमरी अमीनसर गिव्स आइसोसाइनेट टेस्ट विथ क्लोरोफॉर्म। यस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। नेक्स्ट वी कंसिडर रिएक्शन विथ फिनॉल, क्लोरोफॉर्म की फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। ऑलमोस्ट इस चैप्टर में हम जो भी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आगे आने वाले जो इनकमिंग चैप्टर्स हैं उनमें ये रिपीट होगी। तो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन आगे वाले चैप्टर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपली हम कह सकते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है, ऑल रिमेनिंग थ्री चैप्टर्स अल्कोहल फिनॉल ईथर अमाइंस और कार्बोक्लिक एसिड का जो चैप्टर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है, तो इसको आप अच्छी तरह से कर दीजिएगा, अगले थ्री चैप्टर से आपके बहुत ही ईजी हो जाएंगे। फिफ्थ पर रिएक्शन पढ़ रहे हैं किसके साथ है, फिनॉल के साथ में, किसकी, क्लोरोफॉर्म की। यस, रिएक्शन विथ फिनॉल, क्लोरोफॉर्म की फिनॉल के साथ रिएक्शन करके अगर हम रिएक्शन करें तो क्या बनता है, सैलिसिलिहाइड बनता है। टू फॉर्म सैलिसिलिहाइड व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विथ फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम सच एज KOH। Treated with phenol in the presence of alkaline KOH, और एनहाइड्राइड वगैरह ले सकते हैं मीडियम के फॉर्म में, जो रिएक्शन को क्या करता है, मेटा पॉइजन जो होती है उस पर क्या करता है, इस रिएक्शन को एक्टिवेट करने का काम करता है, टू गिव्स सैलिसिलिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज राइमर टीमर रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Raymer-Tiemann reaction. This reaction is known as Raymer-Tiemann reactions. काफी important ध्यान रखिएगा। Directly पूछते Raymer-Tiemann reaction क्या होती है? This is a phenol, chloroform. एल्किली मीडियम लेंगे KOH या NOH, एनहाइड्राइड यहाँ पे एसीटेट कंसिडर कर सकते हैं, एसीटेट सॉल्ट कंसिडर कर सकते हैं, और एसीटाइल क्लोराइड के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। जो ईस्टर के कंपोनेंट होते हैं इथेनॉइड वगैरह, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्या बनेगा, ये मेन प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं सैलिसिलिहाइड बोलते हैं। दिस इज फिनॉल, दिस इज सैलिसिलिहाइड,
यस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइमल्टीमल रिएक्शन का अगला सेकंड अपन केस कंसिडर कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म की जगह अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड कंसिडर करें, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमें यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड मिलता है, वो भी राइमल्टीमल रिएक्शन ही है। यस ये प्रोसेस है एसिड वगैरह, ये जो क्या करता है इसका फॉर्मलाइजेशन करता है। यस ये ग्रुप जो है इस ग्रुप का क्या करते हैं, फॉर्मलाइजेशन कर देता है। फॉर्मलाइजेशन करने के बाद में क्या होता है, ये वापस रीअरेंज होकर क्या करता है, ऑर्थोपैरा जो ऑर्थो पोजीशन जो है यहाँ पे क्या आता है, मेजर प्रोडक्ट ये है। इसलिए इंडिविजुअली सिंगल जो है मेजर प्रोडक्ट एक ही बनता है, नहीं तो यूजली क्या होता है ऑर्थोपैरा जो कंपोनेंट है उसका मिक्सर बनता है। यस तो ये हमने क्या पढ़ी है, बेसिक और जनरल रिएक्शन पढ़ी है। किसकी पढ़ी है अपने, क्लोरोफॉर्म की, जो सभी क्या है इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है। क्लोरोफॉर्म के बाद हम कंसिडर करते हैं किसको करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को कंसिडर करते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स है। यस कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 क्या काम आता है, कहाँ यूज होता है, कैसे बनाते हैं। अगर अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने मिथेन लिया, मिथेन लिया है, मिथेन का हमने क्या किया है, डायरेक्टली हम क्या करते हैं इसका यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हैलोजनेशन करते हैं, या सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हैलोजनेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसके थ्रू अपन बना सकते हैं इसको। यस यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो मिल रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है इसको अपन यूजेस के फॉर्म में कंसिडर करें तो बहुत सारे यूजेस होते हैं। ये स्पेशली मेनली इसको यूज़ लेते हैं, पायरेन के नाम से जाना जाता है इसका इंडस्ट्रियली, जो कॉमर्शियली एप्लीकेशन जो होती है यूज होती है, क्या होती है एज कॉमर्शियली यूज है इसको, क्या है फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज लेते हैं, जो क्या होता है पायरेन का काम करता है। बाकी सॉल्वेंट वगैरह जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट वगैरह इसको भी यूज लेते हैं, बट मेन जो इसका यूज होता है आपको क्या लगाना है, एज द नेम ऑफ पायरेन किसके लिए आता है, फॉर फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने के लिए काम लेते हैं इसको, पायरन नाम से जो इसको क्या करते हैं फायर एक्सटिंग्विशन का काम करता है। यस फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है आग बुझाने का जो यंत्र जो होता है उसके फॉर्म में इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं। यस ये इसका कॉमर्शियल या जिसको अपन सिंपली कह सकते हैं व्यापारिक नाम जो है, और ब्लीचिंग वगैरह इसमें भी यूज ले सकते हैं, वॉशिंग वगैरह इसमें यूज ले सकते हैं। यस फायर एक्सटिंग्विशर, यस क्लोरोफॉर्म के बाद हम नेक्स्ट कंसिडर करते हैं किसको करते हैं, DDT। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है किसके, हैलोजन डेराइव्ड। फुल फॉर्म वगैरह वगैरह इनके बारे में पूछ सकते हैं, यस कैसे बनाते हैं, DDT होता क्या है, हम क्या करते हैं क्लोरीटोन जो होता है, क्लोरीटोन को क्या करते हैं क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के साथ हम क्या करते हैं इसको ट्रीटेड कराते हैं। CCl3CHO और हम 2 मोल किसके कंसिडर करेंगे, क्लोरोबेंजीन के।
कभी कभार इनकी स्ट्रक्चर भी आपको पूछते हैं, फुल फॉर्म भी पूछते हैं। पहले बना लो, उसके बाद में फुल फॉर्म जो है समझाऊंगा, रखना नहीं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कंसिडर H2SO4 कंसिडर कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन का काम करता जो इनके साथ रिएक्शन करते, तो क्या होता है यहाँ से H और H एन ऑक्सीजन कम क्या होता है, निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, डिहाइड्रेशन जिसको कंसिडर करते हैं। और जो हमें प्रोडक्ट जो मिलता है क्या मिलता है, Cl H Cl। ये DDT है। अब नाम क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथाइल, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथाइल DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका नाम जो है, या फिर इसको PP डाइक्लोरो, P का मीनिंग होता है पैरा पॉजिशन जो होती है, ये भी बता सकते हैं PP डाइक्लोरो डाइफेनाइल, PP डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है और DDT की स्ट्रक्चर भी याद रखनी है। कई बार पूछा कि ड्रॉ द राइट द स्ट्रक्चर ऑफ DDT, 1 मार्क का जो क्वेश्चन है उस 1 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्म में आपको पूछ सकते हैं DDT की स्ट्रक्चर क्या होती है, या फिर कैसे बनाते हैं, क्लोरीटोन है, क्लोरीटोन को हम क्या करते हैं, क्लोरीटोन है, क्लोरीटोन को क्या करते हैं, हैलोजनेशन सॉरी क्लोरोबेंजीन के साथ ट्रीटेड कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कैंसर और सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनता है, DDT बनता है। DDT का मीनिंग होता है डाइक्लोरो PP डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। यस, पी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो पैरापोजिशन है इसकी, ये पी को रिप्रेजेंट करता है। अगर अपन इसके यूजेस को देखें तो DDT क्या होता है, पेस्टिसाइड्स एंड डिसइनफेक्ट का काम करता है, पेस्टिसाइड्स फंगिसाइड्स के फॉर्म इसको यूज लेते हैं। यस, पेस्ट वगैरह जो होते हैं, जंप वगैरह होते हैं, इसको क्या करते हैं, यूजली मैक्सिमम इसका जूस यही लेते हैं। एज अ फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज लेते हैं। अब इसको वर्ल्ड में जो है ऑलमोस्ट क्या कर दिया है, इसको बैन कर दिया गया है, बिकॉज पेस्ट और इंसेक्ट जो है, मॉस्किटो वगैरह जो भी है, वो क्या हो गया, इनके अगेन इन्होंने रेजिस्टिविटी क्रिएट कर दी है। अब इसका जो है ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में जो होता है, क्या होता है, सॉइल वगैरह जो जाती है उसमें जो है, या एग्रीकल्चर उसके ऊपर अपन जो स्प्रे करते हैं, तो ये क्या होता है, उसका लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, स्पीसीज होती है, उसमें क्या होता है, इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है, दैट मीन्स ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो लिविंग शेल्स के लिए क्या होता है, इसका काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होता है। यस, इस वजह से इसको जो है वर्ल्ड में मोस्टली कंट्रीज, जैसे इंडिया में भी इसको क्या कर दिया है, इसको बैन कर रखा है, इसको यूज नहीं लेते हैं। यस, नेक्स्ट अपन कंसिडर कर रहे हैं फिफ्थ वाला कंपाउंड क्या कर रहे हैं, BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। BHC का मीनिंग होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। यस, इसको कॉमर्शियल नाम जो है गैमेक्सिन लिंडेन या 6-6 भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर इसको गैमेक्सिन भी बोलते हैं और लिंडेन भी कहते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या होता है, मेथड ध्यान रखें इसका, बेंजीन है, बेंजीन को हम क्या करते हैं, दिस इज अ बेंजीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं बेंजीन की इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या सनलाइट कंसिडर कर सकते हैं, क्या बनेगा,
बेंजीन के साथ जो 6 के 6 हाइड्रोजन जो होते हैं सभी क्या हो जाते हैं, सॉरी हाइड्रोजन तो एजरिज रहेंगे, ये 6 हैलोजन जो होता है क्या होता है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ऐड हो जाते हैं। डबल बॉन्ड जो होते हैं सभी बेंजीन के क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, C6H6Cl6। कभी अगर फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होगा गैमेक्सन ऑफ लेंडेन। यस, ये क्या है, गैमेक्सन है, लेंडेन है। ये भी क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का काम करता है। जो क्लोरोफॉर्म का यूज होता है वही होता है, इसको भी यूज लेते हैं। गैमेक्सन जो होता है ये भी क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। यस, तो इसका भी तो ये क्या है, इसका साइड इफेक्ट है या डिसएडवांटेज के फॉर्म इसको कंसिडर कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं इसका फ्रियोन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने जो भी पढ़े हैं 1-1 मार्क के फॉर्म में जो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, और स्पेशली आरबीसी बोर्ड जो है वहाँ पे। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं अपन, फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसीज। फ्रियोन क्या होता है, इसका नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं, क्या होता है, यस, फ्रियोन्स इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहते हैं। शॉर्टली इसको क्या बोलते हैं, सीएफसीज। फ्रियोन क्या होते हैं, पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रियोन बोलते हैं। पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर नोन एज फ्रियोन। पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रियोन्स के नाम से जाना जाता है, फ्रियोन्स बोलते हैं। कैसे बनाते हैं इसको, बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर हेक्साक्लोरोइथेन जो है इसको अपन क्या करते हैं, एसएफ के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SpCl5। बनाते कैसे फ्रियोन, कैसे बनाते ही ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं या फिर क्या लेते हैं, C2Cl6 हेक्साक्लोरोइथेन, इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोइथेन। CCl4 जो होता है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। और C2Cl6 होता है इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोडाइथेन। यस, ये हेक्साक्लोरोडाइथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोरो को हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, HF के साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। यस, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ SpCl5 की प्रेजेंस में। इसको अपन स्वार्ट रिएक्शन भी कह सकते हैं, जो अपने पढ़ा था उसमें स्वार्ट रिएक्शन में ऐसा ही होता है, HF के साथ इसको यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं SpCl5 के साथ में। अगर हम क्या करते हैं, इसको CCl4 और HF को हम ले रहे हैं रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के किसके साथ में करा रहे हैं, SpCl3 के साथ, सॉरी 5 जो है इसके साथ में कराते हैं इसकी रिएक्शन, तो हमें क्या मिलेगा, CCl3F। इसका जो नाम है, कॉमर्शियली नाम है, इसको बोलते हैं फ्रियोन 11, 11 नहीं लिखेंगे, फ्रियोन 11, फ्रियोन
1:1। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, C2H6 हेक्साक्लोरो इथेन को कंसिडर कर रहे हैं और रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, एच एफ के साथ, SbCl5 क्या बनेगा, C2Cl4F2। इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रियोन 1:1:2। फ्रियोन 1:1:2। अब इसमें इम्पोर्टेंट केसेस ये होता है कि हम जो इसकी नेमिंग करते हैं, मैंने फ्रियोन 1:1 रखा है, इसका नाम कैसे रखा है, फ्रियोन 1:1:2 रखा, वो कैसे रखा है, यस, इसका नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं, या फिर कभी पर आपको ये नाम नेम दे रखा है और हमें क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, तो स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है, इसको आपको सीखना जरूरी है, यस। तो फ्रियोन का हम नेमिंग कैसे करते हैं, नॉमनक्लेचर ऑफ फ्रियोन, नेमिंग ऑफ फ्रियोन या नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन, ये सीखना जरूरी है। फ्रियोन को यूजली अपन क्या कंसिडर करते हैं, ये क्लोरो फ्लोरोकार्बन होते हैं, फ्रियोन जो होते हैं क्या होते हैं, क्लोरो फ्लोरोकार्बन होते हैं। तो फ्रियोन की नेमिंग के लिए हमें क्या करना होता है, हाइड्रोजन एटम्स को कंसिडर करना है, इसमें नाइट्रोजन एटम्स की नेमिंग कैसे करते हैं, कार्बन जो उसका नंबरिंग कैसे करते हैं, नेमिंग करते हैं, तो हमें ये बेसिक चीज़ जानने की, इसमें नंबर ऑफ कार्बन अपन कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, C-1। जो हमें फॉर्मूला दे रखा है उस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट जो लेटर जो होता है वो कार्बन को ही रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं एक्स वाई जेड को कंसिडर करूँ तो पहला नंबर जो होता है क्या करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, यस। तो कार्बन अपन क्या लेंगे, C-1। जैसे हमें स्ट्रक्चर ले रखी जिसमें 2 कार्बन ले रखे, उसके लिए नंबर अपन क्या लेंगे, 1 लेंगे। सेकंड अपन लेते हैं किसको लेते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को, फॉर्मूले के लिए इक्वल क्या लेते हैं, H+1 नंबर यहाँ पे लेते हैं। अगर हाइड्रोजन वहाँ पे कोई भी नहीं है, 0 हाइड्रोजन है, तो 0+1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और थर्ड जो नोटेशन ले रहे हैं, जैसे अपन नंबर हमें एक मैंने लिया था किसका, C2Cl4F2 जो मैंने लिया था, और इसका जो नाम मैंने दिया था 1:1:2 दिया था, कैसे दिया था, मैं इसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके बता रहा। और थर्ड जो नोटेशन जो होता है, ये 1:2 थर्ड नोटेशन जो ले रहे हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में, अगर मैं कंसिडर करूँ ये जो फॉर्मूला है एक्स वाई जेड जो मैं ले रहा हूँ, तो एक्स यहाँ पे क्या है, ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, वाई इक्वल क्या है, नंबर ऑफ एच आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, और जेड जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फ्लोरिन एटम्स कितने हैं उसको ले रहे हैं, क्लोरीन को यूज़ नहीं लेना है, क्लोरीन का नेमिंग में कोई रोल नहीं होता है। और ये नंबर ऑफ फ्लोरिन एटम्स किसके बराबर होते हैं, जितने फार्मूला के अंदर फ्लोरिन एटम्स होते हैं जिसको अपन एन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। ध्यान रखिए एन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कंसिडर नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं फ्लोरिन एटम्स को करते हैं, ये एन की वैल्यू है। जो ऑलरेडी मॉलिक्यूल फार्मूला हमें दे रखा है, लास्ट डिजिट दे रखी है, वही फ्लोरिन का क्या होता है, नंबर्स होता है, यस, नंबर ऑफ एट एटम्स, एफ एटम्स। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैं इसी का ले रहा हूँ, ये फॉर्मूला हमें दे रखा है, इसका हमें नाम लिखना है, नॉमेनक्लेचर करना है, तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट मुझे इस फ्रियोन का फॉर्मूला क्या बनेगा, कार्बन एटम को लेंगे, हमें तीनों ही एटम लेना है, क्या लेना है, कार्बन हाइड्रोजन और फ्लोरिन, इनको कंसिडर करना है, क्लोरिन कंसिडर नहीं करते हैं नंबर के लिए, नेमिंग के लिए। कार्बन हम क्या लेते हैं, एक्चुअली जो फॉर्मूला दे रखे कितने दे रखे, 2 दे रखे हैं, तो कार्बन हमें कितना मिलेगा, C=, क्या मिलेगा, 2-1=1। तो फर्स्ट लेटर जो है किसके लिए लेते हैं, कार्बन के लिए लेते हैं 1। सेकेंड हम लेटर किसके लिए लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए लेते हैं, और हाइड्रोजन जो हम लेते हैं H=, क्या होता है, N+1।
एंड यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स है, इसमें कोई हाइड्रोजन आइटम्स नहीं है, जीरो है, जीरो प्लस वन इज इक्वल क्या हो जाएगा, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ एच एन आइटम जो है एन की वैल्यू क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स को शो करता है, जिसके लिए अपन सिंबल लेते हैं उसी के जो फॉर्मूला दे रखे उसमें आइटम्स कितने उसको कंसिडर करें। यस, जीरो प्लस वन इज इक्वल क्या मिला, वन। फिर थर्ड अपन किसको ले रहे हैं, फ्लोरीन को लेते हैं, फ्लोरीन के इसमें कितने आइटम्स हैं, जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं वही नंबर अपन यूज लेते हैं, एफ इज इक्वल कितने हैं, टू है, हम क्या करेंगे टू यूज लेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या बना, फ्रियोन 112, फ्रियोन 112। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, कैसे बनाते हैं, कैसे लाने के रखते हैं, हम कुछ इसके और एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, जैसे मैं दे रखा है कि फ्रियोन का नाम कैसे रखते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसको आप सीख रहे हैं। और हमें कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, जैसे मैं दे रखा है CF2Cl2 दे रखा है, CF2Cl2, C2FCl3, फिर C2F2Cl4, C2F2Cl4 हो गया, C2F3Cl3, ये सभी क्या है, फ्यूरन है, फ्रियोन सॉरी दे रखे हैं। अब इन फ्रियोन्स का हमें क्या करना है, नॉर्मल क्लेचर करना है, नेमिंग करना है, कैसे होगा नाम। अगर मैं फर्स्ट को कंसीडर करूँ, हम किसको कंसीडर करते हैं, ये की चीज़ ध्यान रखनी है, किसको, कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन तीन आइटम कंसीडर करना है, क्लोरीन दे रखा है लेकिन नेमिंग के लिए इसको यूज़ नहीं करते। कार्बन के लिए अपन यूजली क्या लेते हैं, CH=C-1, CH=N-1 मैं कंसीडर करता हूँ, तो कार्बन के कितने आइटम्स इसमें, वन है, तो 1-1 इज इक्वल क्या मिलेगा मुझे, इस फॉर्मूला क्या अगर मैं कंसीडर करूँ CF2Cl2 को मैं अगर कंसीडर करूँ, तो यहाँ पे जो कार्बन कितने हैं, वन है, तो कार्बन के लिए नंबर की कंसीडर करेंगे तो क्या करते हैं, C-1, तो कार्बन वन है तो 1-1 इज इक्वल क्या मिला, जीरो। यस, तो कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे इसका, जीरो हो गया। सेकेंड नोटेशन किसके लिए लिखते हैं, हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं। एच एटम जो होता है क्या होता है, एन प्लस वन के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, इसमें हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं, कोई हाइड्रोजन आइटम्स नहीं है, जीरो है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, जीरो प्लस वन इक्वल क्या मिला, वन। सेकेंड नोटेशन थर्ड जो लेते हैं किसके लिए लेते हैं, फ्लोरीन आइटम्स के लिए, फ्लोरीन इक्वल एन होता है, यानी फॉर्मूले के अंदर जितने फ्लोरीन आइटम्स दे रखे वही नंबर यूज लेते हैं, क्या मिला, टू। तो उसको हम लिख सकते हैं फ्रियोन 011। अब जीरो है इसका कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, सॉरी फ्रियोन 12, ये क्या होगा इसका फॉर्मूला होगा, सॉरी नाम होगा। इसके लिए कंसीडर करते हैं C2F Cl3, सिंपली लिखते हैं कार्बन, सबसे पहला जो होता है क्या होता है, कार्बन होता है, क्या यूज लेंगे, C-1, कितने कार्बन है, कार्बन टू है, 2-1, 1। हाइड्रोजन हमेशा वन ही लेंगे, ये कंफर्म है कि सेकेंड डिजिट जो है हमेशा वन ही लेंगे, क्योंकि इसमें क्लोरो फ्लोरो कार्बन में हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो हाइड्रोजन के एटम्स के लिए सेकेंड नोटेशन जाएगा N+1, हमेशा वन ही लेना है। थर्ड क्या लेंगे, फ्लोरिन के कितने एटम्स है, वन है। यस, नेक्स्ट कंसिडर करें C2F2Cl4, नाम क्या होगा इसका, फ्रियोन तो लिखना ही पड़ेगा आपको, कार्बन कितने हैं, टू है, तो 2-1, 1। हाइड्रोजन मैंने वाला वन ही लिखते हैं, फ्लोरीन कितना है, टू है, तो वन। यस, नेक्स्ट अपन कर रहे हैं कंसीडर C2F3Cl3, क्या होगा नाम इसका, फ्रियोन कार्बन के लिए क्या लेंगे, टू कार्बन है तो 2-1, 1। हाइड्रोजन वन ही कंसीडर करेंगे, सेकेंड नोटेशन वन होगा, फ्लोरीन कितने हैं, थ्री है, तो थ्री। तो फ्रियोन की क्या है, नेमिंग है, नॉमेनक्लेचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैसे ध्यान रखना आपको पूछ सकते हैं। यस, फ्रियोन क्या होती है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है।
इसके यूजेस के फॉर्म में देखें, इसके एडवांटेज के फॉर्म में देखें, तो ये क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, अनरिएक्टिव कह सकते हैं, फ्रियोन जो कंपाउंड्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, तो एटमोस्फेयर में जो क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर जो होता है, ट्रोपोस्फेयर में ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ट्रोपोस्फेयर से कहाँ चले जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं, जहाँ पे ओजोन लेयर जो होती है, तो ओजोन को ये क्या करते हैं, फ्रियोन क्या करते हैं, रिप्लेस करने का काम करते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, ये ओजोन जो है, ओजोन को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करने का काम करता है। अर्थ के ग्राउंड जो होते हैं, ग्राउंड के ऊपर जो सरफेस के ऊपर फ्रियोन जो होता है, यस, उसमें इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इनर्ट होता है, केमिकली इनर्ट होता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है, जहाँ पे ओजोन लेयर जो होती है, वहाँ पे जाता है, तो क्या करता है, सनलाइट जो होती है, सनलाइट इसके ऊपर जैसे ही गिरती है, यूवी रेडिएशन इसके ऊपर पास होती है, उसके इसमें क्या करता है, ये क्लोरीन रेडिकल्स होता है, फ्री रेडिकल्स, उसको क्या करता है, रिलीज करता है, और क्लोरीन रेडिकल्स क्या करता है, ओजोन के साथ में कंबाइन होकर क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे CF2Cl2 को कंसिडर करूँ, तो ओजोन के साथ में कंबाइन होकर क्या करता है, ऑक्सीजन बना देता है, ये ओजोन जो है इसको क्या करता है, कंटिन्यू डिप्लेट करके परक्लोरो ऑक्साइड जो है ये बनाता है। इस फॉर्म में ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, और एक ऑलमोस्ट अपन कंसिडर करें, एक क्लोरीन जो मॉलिक्यूल होता है क्या करता है, ऑलमोस्ट 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल को क्या करता है, डिप्लेट कर सकता है, यस। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं, इसके यूजेस के फॉर्म में लिखे तो कहाँ होता है, ये रॉकेट जो होता है उसमें क्या करता है, ये कोलिंग का काम करता है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, यस, उसमें ये क्या करता है, कोलिंग का काम करता है, उसमें जो गैस अपन फिलअप करते हैं कौन सी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है गैस होती है, ये इसके क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। अब ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन लेयर को इसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इसका यूजेस है, इसको यूजेस को क्या किया है, कुछ कम कर दिया है, काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल भी किया है, यस। और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, पैदा करने के लिए क्या करते हैं, एवरी ईयर 16 सितंबर को क्या करते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे के फॉर्म में इसको मनाया जाता है, ताकि लोगों में जो है ओजोन बचाने के लिए इसमें जागरूकता बनी रहे, यस। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि 16 सितंबर जो है वो क्या है, ओजोन डे के फॉर्म में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे। हर साल जो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के फॉर्म में इसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके साथ ही जो है ओजोन सेलिब्रेट या ओजोन डे सेलिब्रेट के साथ साथ जो है हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, यस। आई होप कि आपको जो है चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर करिएगा, यस। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।